अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सबको खैरियत से होंगे। दोस्तों आज संडे का दिन है और मैं मौजूद हूँ मुल्तान DHA में, जहाँ पास व्हील्स की तरफ से एक ऑटो शो मुनक्किद हुआ है जिसमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा हैवी बाइक्स वगैरह हैं। तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाइड की हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मुल्तान के लोग कितना इंटरेस्ट करते हैं गाड़ियों को मॉडिफाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। हाँ जी, बस देख सकते हैं आप, पार्क व्हील वालों की तरफ से ऑटो शो मुनक्किद हुआ है DHA मुल्तान में। तो सब के सब लोग जा रहे हैं शो स्टार्ट होने। अजीब, बस ये देखे होंडा सिटी, आप देखें बहुत जबरदस्त मॉडिफाइड की हुई है। फ्रंट व्यू देखें आप, वक्स माफिया के नाम से। साइड व्यू देखें, बैक दिखाता हूं आपको, बैक से देखें, ये देखें जमीन से तकरीबन कोई 3 इंच के फासले पर है। अजीब वर्क ये देखें, टोयोटा करोला जबरदस्त, इसको मॉडिफाइड किया ब्लैक कलर में। फ्रंट से दिखाओ आपको, ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू, इसका बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा देख, जबरदस्त व्यू दिखाऊं आपको इसका, ये देखिए इसका बैक व्यू, ये आप देख सकते हैं डबल सिलेंडर साथ में, एक और ग्रैंडी करोला खड़ी है। साइज वगैरह बहुत ही खूबसूरत, फ्रंट दिखाता हूँ इसका,
फ्रंट व्यू बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले होंडा सिटी ये खड़ी है, काफी यूनिक कलर में है और काफी इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। इसके टायर्स वगैरह देखें साइड, इसके अलावा मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं। सुजुकी आल्टो देखें, फ्रंट से देखें उसके अलावा ये देखें साइड व्यू चेक करें इसका, बहुत ही खूबसूरत। अगर मैं आपको बैक व्यू दिखाऊं इसका, ये देखें ये इसका बैक व्यू है। बाकी इसके अलावा इसका साइलेंसर देखें, ये साइज देखें बहुत ही जबरदस्त। ये होंडा सिविक, टायर्स दिखाऊं आपको इसके, ये देखें ये इसका बैक टायर, साइलेंसर इसका, बल्कि मैं आपको हैवी बाइक दिखाता हूँ। इधर हैवी बाइक भी आए हुए हैं तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे। ये BMW, उसके अलावा ये यामा, मुख्तलिफ हैवी बाइक हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। होंडा की हैवी बाइक भी खड़ा है इसमें, ब्लू कलर अपना येलो कलर में, बहुत ही खूबसूरत। BMW 1000 CC है। इसके अलावा और बाइक्स भी हैं, नजर आ रही होगी आपको। की रेंजर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये व्यूअर्स देखें बहुत ही खूबसूरत हैवी बाइक, इसके
बड़ा जबरदस्त मॉडिफाइड हुई है। तकरीबन जमीन से मेरे ख्याल से 1.5 इंच ऊपर होगी। ये इसका फ्रंट व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अली अहमद। अच्छा अली भाई, बताइएगा मुल्तान में ये शो बाकी वालों ने मुनक्किद कराया। जी जी, इस तरह के शोज वगैरह होने चाहिए? सर बिल्कुल होने चाहिए, इससे आपकी ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसको फ्रॉग मिलता है। जो हम एक बैकवर्ड सोच में बैठे हैं, गाड़ी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर फजूल खर्ची है। आप ये देखेंगे जो आप खर्च करके इसके ऊपर इसको बना रहे हैं, आप कम से कम दूसरी बुराइयों से बचे हुए एटलीस्ट। और एक ये बहुत अच्छा शौक है कि देखिए बाप क्राउड है, इसमें आपको तरह तरह की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी भी बनी हुई है गाड़ियां, बहुत लोगों ने लेटेस्ट मॉडल को रिकवर किया हुआ बिल्कुल, और वो बनाई हुई है ताकि लोगों को दिखा सकेंगे यार 1998 मॉडल या 85 मॉडल अभी तक बेकार नहीं है, कचरे का डब्बा नहीं है, हम उसको एक अच्छा पैकेज में बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं उसको। तो ये गाड़ी कौन सी मॉडल है आपकी? सही है, 2019 मॉडल है। अच्छा ठीक है जी, आपने वैसे बहुत जबरदस्त इसको डेकोरेट किया, मॉडिफाइड किया। तो ये 0 to 100 कितनी देर में? सर ये ऑलमोस्ट 8 सेकंड्स में जाती है। जो स्टॉक है इसके इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, ठीक है, फिलहाल इसका इंजन स्टॉक है, बाकी एयर सस्पेंशन इंस्टॉल्ड हुई पड़ी है इसके अंदर। और क्या कहते हैं स्टेयरिंग, आप ये देखेंगे ये सारा कार्बन फाइबर वर्क हुआ पड़ा इसके ऊपर, ये पेपर नहीं है ना, हाइड्रो डिप है, ये रियल कार्बन फाइबर है ये सारा। और भी देख सकते हैं और तो है, तो उसके अलावा बाकी टायर्स के साथ आपने बताया? टायर्स इसके अंदर 17 इंच के अलॉय रिंग्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर 205/40/17 की प्रोफाइल का टायर डाला हुआ है, लो प्रोफाइल टायर डाला हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।